हेलो एवरीवन हाउ आर यू वेल आई एम पीयूष गुप्ता आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट सो आज आपके लिए लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ क्लास ट्वेल्थ की फर्स्ट लेक्चर की फर्स्ट वीडियो सो इस ये लेक्चर दोनों क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है जो ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि बिज़नेस क्या होता है बिज़नेस हम हमारा चैप्टर जो बुक है उसका नाम बिजनेस स्टडीज़ है तो हम जानेंगे कि बिज़नेस का मतलब क्या होता है ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम बिज़नेस वर्ड यूज़ करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है सर सबसे पहले तो हमारे माइंड में बिज़नेस स्टडीज़ आती है और बोर्ड के एग्ज़ाम्स याद आते हैं ओके उसके अलावा क्या आता है बिज़नेस के नाम से हमारे एक बड़ा बिज़नेस याद आता है जैसे कि कोई बहुत बड़ी कंपनी हो रिलायंस है इंफोसिस आईटीसी या कोई और कंपनी ओके हम हमें सर पापा का बिज़नेस भी याद आता है वो पापा भी हमारा बिज़नेस करते हैं जैसे कुछ मैनुफेक्चरिंग वगैरह का कोई बिजनेस करते हैं तो वो भी याद आता है और हाँ हम जो बराबर में शॉप होती है हमारे घर के उसको भी हम बिज़नेस कहते हैं कि वो शॉपकीपर जो है बिज़नेस कर रहा है और इवन जो फास्ट फूड्स की स्टॉल्स होते हैं जो रेड़े हम जिसे कहते हैं स्टॉल्स हैं तो हम उनको भी कहते हैं कि वो भी हमारा जो शॉपकीपर uh, है जो फास्ट फूड बनाने वाला है वो भी अपना बिज़नेस कर रहा है उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है बेकार चल रहा है एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो देखा जाए तो हम एक तरह से एक बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक बिज़नेस को जो वर्क है उसको हम बिजनेस कहते हैं और हम इसको डेली यूज़ में करते हैं हमें पता है कि बिज़नेस क्या है बस हमें उसको समझना है एज़ पर सब्जेक्ट ठीक है तो हमने इससे पता चला कि एक बहुत बड़ा बिज़नेस भी बिज़नेस है एक छोटा सा बिज़नेस भी बिज़नेस है तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है अगर मैं बात करता हूँ कॉमन की तो दोनों के बीच में कॉमन ये है कि दोनों कुछ अर्न करने के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं ठीक है दोनों चाहे वो रिलायंस कंपनी है चाहे एक स्टॉल वाला है जो हमारे घर के हमारी शॉप के बाहर खड़ा होता है दोनों का मोटिव है अर्न करना जिसके लिए वो रेगुलर बेसिस पे कुछ वर्क कर रहे होते हैं अब पापा पा और मम्मी भी हमारे जो होते हैं वो हमारे लिए कुछ वर्क करते हैं वो हमारे लिए मम्मी हमारी केयर करती हैं सुबह उठ के वर्क खाना बनाती हैं सब करती हैं पापा अर्न करके लाते हैं हमें समझाते हैं सिखाते हैं एंड ऑल तो क्या वो भी बिज़नेस है नहीं वो बिज़नेस नहीं है क्योंकि उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है वो अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं हमारा काम वो हमारे लिए जो भी वर्क कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ उनका लव है अफेक्शन है और वो हमारे लिए विदाउट एनी प्रॉफिट वर्क कर रहे हैं मदर जो भी हमारे लिए वर्क करती हैं विदाउट प्रॉफिट करती हैं यानी कि विदाउट इकोनॉमिक बेनिफिट इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड किसी बेनिफिट के बिना तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है बिजनेस का मतलब होता है बिजीनेस किसी चीज़ में बिजी रहना सर हम तो हर वक्त गेम में बिजी रहते हैं आजकल PUBG चल रहा है हम उसमें बिजी रहते हैं तो वो भी बिज़नेस है क्या <laughs> नहीं आगे हम देखते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस है क्या बिजीनेस को हम कहते हैं बिजी रहने को बिजनेस उस वर्ड से बना है डेफिनेशन है इसकी बिजनेस इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ बिजनेस जो है वो टोटल है सम टोटल मतलब सभी एक्टिविटीज़ सभी काम जो हम कर रहे हैं उनका टोटल है हर एक्टिविटीज़ विच स्टार्ट कौन सी एक्टिविटीज़ जो स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो गुड्स या सर्विसेज उसके प्रोडक्शन से स्टार्ट होती हैं ओके okay, इसका मतलब कोई भी सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी गुड्स का फॉर एग्जाम्पल ये टैबलेट है हमारे हाल में ओके okay, जिसमें आपको ये डिस्प्ले हो रहा है सारी स्क्रीन आ रही है साइड में ये डिस्प्ले इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है या एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं पेंसिल पेंसिल एक कंपनी नटराज है जो पेंसिल मैनुफैक्चर करती है बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ उस पेंसिल की मैनुफैक्चरिंग से वो पेंसिल जो है बननी स्टार्ट हुई नटराज कंपनी ने वो मैनुफैक्चर करना स्टार्ट करा और मैनुफैक्चर करके उसमें जितनी भी प्रोसेस लगी क्या प्रोसेस लगी कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसको प्रोड्यूस करा उसको फाइनली उसमें लकड़ी लगी आपकी जो पेंसिल की होती है वो मेटल लगा ग्रेफाइट जो होता है वो सब लगा और फाइनली आपकी पेंसिल रेडी होगी तो कहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर अंड सर्विसेज सर्विसेज जैसे कि कोई भी आपको जस्ट डाइल है फेसबुक है वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं दूसरे पीपल से कनेक्ट होने की तो वो भी एक सर्विस है विच स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गुड ऑफ सर्विसेज जो गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन से स्टार्ट होती हैं ठीक है पता चल गया स्टार्ट कहाँ से हुआ बिज़नेस बिजनेस की जो सारी प्रोसेस हैं किस चीज़ को बिज़नेस कहते हैं वो स्टार्ट हमारा हुआ गुड्स या सर्विस के मैन्युफैक्चरिंग से डाउन टू द टास्क ऑफ टेकिंग देम टू द कंज्यूमर्स कहाँ तक कंज्यूमर्स तक वो गुड्स ले जाने तक यानी नटराज कंपनी ने पेंसिल बनाना स्टार्ट करा मैनुफैक्चर करना स्टार्ट करा हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की सारे प्रोडक्शन करा सब करा फाइनल पेंसिल बन के रेडी होगी उसको पैकिंग करा ये भी बिजनेस का पार्ट है उसको डीलर जो होल होते हैं उनको शिप करा होल के पास आई होल ने फिर उसको आगे रिटेलर को सेल करा रिटेलर ने आज अल्टीमेटली आपको सेल करा तो जब तक फाइनल कंज्यूमर कंज्यूमर कौन होता है कंज्यूमर वो पर्सन है जो उस गुड या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है यानी यूज़ कर रहा है पेंसिल को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप फाइनली इसके कंज्यूमर हैं तो वो पेंसिल जब तक पब्लिक के पास नहीं पहुंच जाती तब तक जितनी भी प्रोसेस उससे रिलेटेड चल रही हैं सब वो बिजनेस हैं क्लियर है तो यहाँ पे जब ये इसमें आपको पता चल गया रिटेल बिजनेस तो आपके जो बरहार शॉपकीपर खड़ा है वो भी बिजनेस में कवर्ड है वो छोटे स्केल पे है लेकिन वो भी कंप्लीट प्रोडक्शन का एक पार्ट है जब तक उस रिटेलर ही जो एक शॉपकीपर है वो ही एक आपको कोई सामान बेचता है आपके पास कोई सोप है कोई आपकी बुक है कुछ भी है वो सामान मैन्युफैक्चर होके आया कई कई लेवल से और अल्टीमेटली आपको मिला है अब इसका क्या है बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहते हैं इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी मतलब कुछ भी काम करना तो यानी पैसे से रिलेटेड कुछ काम करना विच इज़ conducted ऑन रेगुलर बेसिस जो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ सामान पड़ा था आपके पास कहीं से आपने एक, आप नॉर्मल स्टूडेंट हो आपने कहीं से सा सामान खरीदा कुछ आपने बहुत सारी बुक्स ख़रीद ली एक साथ कॉपीज एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने कापीज़ ख़रीद ली और एक दिन हमने शॉप लगाई और शॉप लगा के वह सारी हमने उसी दिन सेल कर दी तो ये क्या आप बिजनेस मैन हो क्या आपका बिजनेस है शॉप बुक्स सेल करना कॉपी सेल करना नहीं क्योंकि वो रेगुलर लेवल पर नहीं आपने एक दिन दो दिन या तीन दिन फिनिश कर दिया रेगुलर मतलब जो कंटिन्यूसली चलता रहे आपका कंपनीज जो होती हैं उनका कंटिन्यूसली वो चलता रहता है बिजनेस बिजनेस उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहते हैं जो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करी जाती है टू अर्न प्रॉफिट थ्रू दी मकसद क्या है प्रॉफिट कमाना अब मंदिर वगैरह भी होते हैं हमारे यहाँ मंदिर जो होते हैं उनमें भी पैसा आता है डोनेशन आप जाते हैं डोनेशन करते हैं लेकिन उनका मकसद उसको डोनेशन लेना नहीं है उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है वो उस पैसे को लेते हैं और नॉर्मल उसको यूज़ करते हैं लोगों से लेते हैं और लोगों के लिए ही उसे यूज़ करते हैं तो वो मंदिर का काम बिजनेस नहीं कहलाता टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज जो हैं उनके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करने में और बेचने से जो हमें प्रॉफिट कमाना ही रेगुलर बेसिस पे बिजनेस कहलाता है तो क्लियर एक बार हम फटाफट इसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है बिजनेस को समअप करते हैं बिजनेस का मतलब है दो वर्ड से बना है बिजी प्लस और इसका मतलब है कि वो सभी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट हो जाती है और कब तक जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर यानी कि ह्यूमन बीइंग जो उसको अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है उस तक नहीं पहुंच जाती बिजनेस वो उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेफ़र करता है जो रेगुलर बेसिस पे करी जाती हैं डेली बेसिस पे करी जाती हैं मकसद क्या होता है टू अर्न प्रॉफिट कैसे प्रोडक्शन करके सेल करके अपने गुड्स या सर्विसेज का तो ठीक है और फर्दर वीडियोस के लिए आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखते रहें लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर वीडियोस जो भी होती है वो आपको मिलती रहे कोई भी अगर आपको क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैक्सिमम रिप्लाई कर सकता हूँ ओके बाय बाय थैंक यू